एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू की बनने वाली झटपट रेसिपी, वो है जीरा आलू। आप इसको तुरंत बना सकते हैं। आप देखिए, उसके लिए मेरे पास एक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें मीडियम साइज़ के 10-12 आलू चाहिए, जिनको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और हमें इसके लिए दो इंग्रेडिएंट्स और चाहिए, दो कटे हुए टमाटर। टमाटर दो को छोटे छोटे काट लिए, और एक दो हरी मिर्च भी लेके मैंने छोटी छोटी काट ली हैं। बाकी मसाले हैं धनिया पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, कुटी मिर्च और थोड़ा सा अमचूर। जैसा कि आप जानते हैं, हम जीरा आलू बना रहे हैं तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा जीरा है, साबुत जीरा। इसको हम सबसे पहले साबुत जीरा डालेंगे, और एक दो पिंच हमने हींग ली है, और थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी ली है। इसलिए नमक और एवरेस्ट का मेरे पास सब्जी मसाला है, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ फ्लेवर के लिए। और धनिया को मैंने, हरा धनिया काट के मैंने तैयार रख लिया है। जैसा आप देख रहे हैं, तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालूँगी। जीरे को हल्का सा जैसे स्प्लटर होने में टाइम लगेगा, एक आध मिनट, आधे मिनट के स्प्लटर होने लगे, फिर हम इसमें, जीरा स्प्लटर हो गया है, इसमें हम हींग डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। अब हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। हम इसको हल्का हल्का भूनेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि धीमी आंच, ज़्यादा तेज ना हो, मीडियम टाइप हो। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। अब हम इसमें अंदाज से नमक डालेंगे। नमक डाल के देखेंगे, थोड़े से टमाटर भी गल गए हैं इसमें, हरी मिर्च भी गल गई है इसकी। अब तो आप नहीं जान सकेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाती है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालनी शुरू करेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, साथ साथ थोड़ा सा हिलाते रहेंगे, कश्मीरी मिर्च, इसको कुछ लोग देगी मिर्च भी बोलते हैं, और हम लोग इसको हल्दी डालेंगे कलर के लिए, और भुना हुआ जीरा इसका बहुत ज़रूरी है इसमें। अब डालेंगे कुटी मिर्च। अब डालेंगे हम इसमें अमचूर। अमचूर जैसे कि हम पहले नहीं डालते क्योंकि जलने का डर था। अब हमारा मेन आ गया काम, आलू डालने का। आप देख सकते हैं पेस्ट टाइप हो गया ये, इसमें आलू डालेंगे। अब हम ऐसे करेंगे इसको मीडियम उस पर करके, ताकि जो मसाला है ना इनसे चिपट जाए अच्छे से आलू से। चीज़ को हम एक से डेढ़ मिनट का टाइम लगता है बस। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा एवरेस्ट का सब्जी मसाला। हाँ,
ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुके हैं आलू। आप देख पा रहे होंगे कि जो मसाला है आलू से अच्छी तरह चिपट लगा है, और अब देखिए इनकी लुक कैसी हो गई है। हमारा आखिर का काम रह गया सबसे ज़्यादा, चाहे डेकोरेट के लिए चाहे हाजमे के लिए कहिए कुछ भी, हम डालेंगे अपना हरा धनिया, हमारी सब्जी की जान है। इसे हम इसको फाइनल भून देंगे और आपकी ये रेसिपी हो गई है तैयार। इसे आप परांठे के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं, या कोई दाल सब्जी के साथ एक सब्सिडरी के तौर पे खाएं, तो बहुत ही छोटे से लेके बड़े सब इंजॉय करेंगे। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप जैसे भी कमेंट्स हो मुझे दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे कमेंट्स मिलेंगे। तो तब तक के लिए मैं और अपनी रेसिपी के लिए तैयार रहूँगी, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।